नमस्ते, जोशी पामिस्ट्री में आपका स्वागत है। हस्तरेखा पर विशेष जानकारी का यह मेरा पांचवा वीडियो है। तीसरे वीडियो के अंत से मैंने स्पेशल टिप्स देना प्रारंभ करी है, जो इसी प्रकार वीडियो के अंत में मैं प्रस्तुत करूंगा। यह वीडियो हस्त रेखा की एक महत्वपूर्ण रेखा शुक्र वलय के बारे में है, उसको रिंग ऑफ विनस भी कहते हैं और गर्डल ऑफ विनस भी कहते हैं। यह रेखा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे लोग प्रभावित होते हैं, लोगों के ऊपर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों ही पड़ते हैं, इसलिए इस रेखा को महत्वपूर्ण कहा गया। यह रेखा जो अनेक हाथों में कॉमन रूप से जो पाई जाती है, वैसे तो इस रेखा के कई प्रकार होते हैं, परंतु अधिकतर जो मुख्य प्रकार है वो इस तरह होता है। ये बुध का क्षेत्र है, ये बुध के क्षेत्र के यहां से शुक्र वलय प्रारंभ होता है। अनामिका सबसे छोटी उंगली के पास से और ये गुरु के क्षेत्र के यहां यानी तर्जनी उंगली के यहां जाके समाप्त हो जाता है। इस तरीके से ये एक अर्धचंद्राकार स्थिति है और इसे शुक्र वलय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो प्रकार है, ये मुख्य प्रकार है, तो इसके बारे में इसके क्या प्रभाव है इसके बारे में मैं विवरण बाद में बताऊंगा। इसके जो अन्य और प्रकार हैं, वैसे तो शुक्र वलय 10-12 प्रकार का होता है, परंतु जो मुख्य है 4-5 प्रकार, उनके बारे में मैं बताता हूं। और ये सर्वाधिक मुख्य प्रकार है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये जितने भी प्रकार के शुक्र वलय होते हैं उनके कुछ कॉमन प्रभाव व्यक्ति पे होते हैं, तो सारे शुक्र वलय, सभी प्रकार के शुक्र वलय के कॉमन प्रभाव जो होते हैं उन्हें मैं पहले बता देता हूं। जो इसके प्रभाव पड़ते हैं उनमें कुछ प्रभाव पॉजिटिव हैं, तो इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ प्रभाव निगेटिव हैं, तो इसे एक निगेटिव चिन्ह के रूप में भी माना जाता है। परंतु पॉजिटिव और निगेटिव को मिलाते हम तो कुछ मिला जुला प्रकार का इसका प्रभाव होता है। पॉजिटिव प्रकार क्या है? पॉजिटिव प्रकार यह है कि ऐसा व्यक्ति यदि जन्म से सामान्य परिवार का है तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो धनी बनता जाता है। अब ये पक्का नहीं बता सकते कि वो 40 वर्ष की आयु में सामान्य व्यक्ति से धनी व्यक्ति बनेगा या 50 या 60 वर्ष की आयु में बनेगा, पर बनता अवश्य। सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रभाव इसका ये है। दूसरा इसका पॉजिटिव प्रभाव ये है कि जो अन्य लोगों में सौंदर्य बोध नहीं होता है वो ऐसे लोगों में होता है। उदाहरण के लिए कोई वृक्ष है तो अन्य लोग उस वृक्ष को
एक वृक्ष है बस इस दृष्टि से देखेंगे, परंतु जिसके हाथ में शुक्र वलय होगा वो ये देखेगा कि भाई इसकी तो ये डाली है और ये डाली इस प्रकार से बनी हुई है, जैसे एक तरीके से ये ऊंट के मुंह की तरह बनी हुई है, ये ऊंट की पीठ है, और कभी ये डाली यदि कोई मुझे काटने दे तो मैं इसको काट के ड्राइंग रूम में रखूंगा। तो जो अन्य लोग अनेक चीजों में सौंदर्य नहीं देख सकते, वो सौंदर्य ऐसा व्यक्ति देख लेता है। इसका एक अच्छा उदाहरण मैं अंत में बताऊंगा। अब निगेटिव जो तथ्य हैं उनकी तरफ हम जाते हैं। जो मुख्य चार दोष बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, काम क्रोध मद लोभ, वो ऐसे व्यक्ति में आ जाते हैं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, ऐसे व्यक्ति का नेचर बड़ा सेंसिटिव होता है, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे ऐसा लगता है कि वो घर का अपने जहां वो काम करता है उस कार्यालय का, चाहे वो उसका कार्यालय हो या जहां वो सेवारत हो उस कार्यालय का, अपने मित्रों का, सभी का बोझ लेके जैसे घूम रहा है। कई लोगों की ये स्थिति होती है कि वो डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन के भी शिकार हो जाते हैं। यदि कहीं चार लोगों से बात करने का अवसर आए तो वो बात ही नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार से उनको मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। कुछ लोगों की स्थिति तो यहां तक आ जाती है कि उनको डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है और डॉक्टर ट्रैंक्विलाइजर देते हैं ताकि उनका जो है डिप्रेशन टाइप जो कंडीशन बन गई है उसमें कुछ सुधार हो सके। हालांकि इसकी दूसरी रेमेडीज भी हैं, तो वो भी मैं अंत में बताऊंगा। अब इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। इसका एक प्रकार तो यह होता है कि ये शुक्र वलय इतना पूरा बना हुआ नहीं होता है, और सिर्फ ये इतनी सी लाइन दोनों साइड होती है। तो ये इतनी शुभ स्थिति नहीं है। इसका प्रभाव यह होता है कि वो व्यक्ति अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको मानसिक अवसाद या उदासी समय समय पर घेरती रहती है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रकार ऐसा होता है जो एक तरह की सीधी लाइन की तरह होता है। अब ये जो सीधी लाइन होती है ये हृदय रेखा के ऊपर होती है, ये यहां से लेके यहां तक एक सीधी लाइन के रूप में शुक्र वलय होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है, उसे किस बात पे कब क्रोध आ जाएगा ये नहीं बता सकते, और क्रोध आने के बाद में उसको समझ में आता है कि वो उसने गलती करी, तो बाद में वो स्वयं क्षमा भी मांग लेता है या किसी से कहता है भाई ऐसी ऐसी बात है, और किसी के माध्यम से संदेश भिजवाता है और वो उस व्यक्ति से फिर सुलह समझौता भी कर लेता है आगे रहके। ऐसा व्यक्ति बड़ा स्वार्थी भी होता है और एक तरीके से उसका जो ये आचरण है वो डबल फेस वाला हो जाता है, कभी क्या है कभी क्या है, डबल फेस जिसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक शुक्र वलय ऐसा होता है जो
ये यहाँ सबसे छोटी उंगली जो है अनामिका, इसके नीचे जो भुजका क्षेत्र है यहां से प्रारंभ होता है और यहां से प्रारंभ होकर ये तर्जनी के यहां गुरु का क्षेत्र है, यहां तक ऐसे अर्धचंद्राकार होता है। यानी ये बुध और गुरु दोनों क्षेत्रों को मिलाता है। इसका प्रभाव यह है कि ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ मित्र होता है और श्रेष्ठ सलाहकार भी होता है, परंतु वह किसी की भी सलाह नहीं मानता और यदि उसको किसी ने सलाह दी तो उसे एकदम क्रोध आ जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रकार होता है वो ये होता है कि शुक्र वलय यहां से बुध के क्षेत्र से प्रारंभ होकर के और ये शनि के क्षेत्र तक आ जाता है। बुध और शनि इन दोनों के बीच में होता है। ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव यह होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी वाणी होती है उनकी, वो दूसरों की सहायता भी करते हैं और यहां तक कि यदि किसी ने उनका अपमान कर दिया है तो वो अपमान भी सहन कर जाते हैं और सामने वाले को क्षमा कर देते हैं। अगला प्रकार यह होता है कि यही शुक्र वलय, इसको शुक्र वलय इसलिए कहा गया है कि इसका सीधा संबंध शुक्र से है। वो कैसे है उसको मैं अभी बता रहा हूं, परंतु अगला प्रकार ये होता है कि वो यहां से शुक्र के क्षेत्र से प्रारंभ होता है और ऐसे चंद्र के क्षेत्र पे आ जाता है। ये इस प्रकार से, तो इसका व्यक्ति पर ये प्रभाव पड़ता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत गंभीर होता है, अच्छा सलाहकार होता है और बहुत मीठा बोलता है, परंतु जिनसे कोई लाभ मिलना होता है उनसे अच्छे संबंध रखता है और जिनसे कोई लाभ नहीं मिलना होता है उनसे कोई संबंध नहीं रखता, ये उसमें दोष आ जाता है। इसको शुक्र वलय क्यों कहते हैं? इसको शुक्र वलय इसलिए कहते हैं कि जो इसका बड़ा प्रभाव मैंने बताया है कि व्यक्ति धीरे 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 जाके धनी बन जाता है, तो ये प्रेरित करता है। शुक्र का कार्य, शुक्र का इफेक्ट यह होता है कि वो व्यक्ति को लग्जीरियस लाइफ की तरफ प्रेरित करता है। वो अच्छी गाड़ी के बारे में सोचता है, वो अच्छे कपड़ों के बारे में सोचता है, वो अच्छे मकान के बारे में सोचता है, यहां तक कि खाने पीने की जो अच्छी वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचता है। तो ये शुक्र वलय इसको प्रेरित करता है कि तुम इन चीजों के लिए प्रयत्न करो। वो प्रयत्न करता भी है और इस तरह वो इन चीजों को प्राप्त भी करता है और धनी भी बन जाता है। अब जो इसका मुख्य प्रकार है, सबसे मुख्य प्रकार है वो ये है ऐसी स्थिति में यदि इस पे कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है तो जो शुक्र वलय का जो मुख्य प्रकार, जो मुख्य प्रभाव मैंने बताया कि व्यक्ति मूडी नेचर का होता है, उसका मूड स्विंग होता है। यहां तक कि जब अच्छे मूड में है तो वो बहुत अच्छा है और जब मूड बिगड़ा तो वो किसी की इंसल्ट भी कर सकता है।
यदि निगेटिव चिन्ह इस पे नहीं हो तो वो अध्यात्म की तरफ जाता है, धर्म की तरफ जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य उसको अपनी ओर खींचता है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और दूसरों को क्षमा करने की भी उसमें बहुत बड़ी क्षमता होती है। अब एक प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र वलय नहीं है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अधिकांश लोगों के हाथों में शुक्र वलय नहीं होता है, यह बहुत कम लोगों के हाथों में होता है, तो जिनके हाथों में नहीं होता है उन पर इसका क्या प्रभाव होता है? नहीं होता है तो उन पर यह प्रभाव होता है कि मान लो यदि किसी की बात उनको चुप गई तो वो उसको ज्यादा याद नहीं रखते, क्षमा कर देते हैं। परंतु जिनके हाथों में शुक्र वलय होता है वो यदि उनको किसी की बात चुप गई तो वो बहुत समय तक उसको याद रखते हैं और आसानी से वो क्षमा नहीं कर पाते। यदि उनके साथ किसी व्यक्ति ने धोखा कर दिया तो फिर वो अन्य लोगों पे भी विश्वास नहीं करते। यदि शुक्र वलय है तो ये इफेक्ट आता है। यदि इस शुक्र वलय को कहीं से भी चलने वाली भाग्य रेखा जो शनि क्षेत्र पे आती है, मान लीजिए वो हथेली के मध्य में से चली और ऐसे पूर्ण शुक्र वलय को वो भाग्य रेखा काट देती है, काट के शनि क्षेत्र पे आ जाती है और सूर्य रेखा, ये सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य रेखा यहां से चली और वो इस शुक्र वलय को काट के सूर्य क्षेत्र पे आ जाती है तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि होता है, वो साहित्य के क्षेत्र में जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो बोलने के क्षेत्र में कोई कलाकार बन सकता है, वो टीवी और फिल्म से संबंधित अभिनेता भी बन सकता है। यदि किसी के हाथ में एक के बजाय दो और तीन शुक्र वलय भी हो तो उनका क्या प्रभाव होता है? उनका एक प्रभाव होता है यदि दो या तीन शुक्र वलय हैं तो यदि ये दो या तीन शुक्र वलय जन्म से बच्चे के हाथ में है तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका परिवार समृद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। ये दो शुक्र वलय का प्रभाव होता है। अब जो बात रेमेडी की जो मैंने बताई थी वो ये है कि यदि शुक्र वलय पूर्ण नहीं है और जो मैंने अन्य प्रकार बताए हैं वो हैं और उनके कारण यदि व्यक्ति को कष्ट है तो वो ध्यान अर्थात मेडिटेशन कर सकता है, वो संगीत अर्थात म्यूजिक पर अपना ध्यान लगा सकता है, वो प्रकृति पेड़ पौधे पशु पक्षियों में अपना ध्यान लगा सकता है, इससे उसको रिलीफ मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि वो अपने इष्ट देव की पूजा पाठ में ध्यान लगाता है तो इसके कुप्रभावों को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। जो सौंदर्य बोध की बात मैंने बताई थी अभी वो ये है कि मुझे एक पेंटिंग क्रय करना थी और मैं उज्जैन में एक पेंटिंग की दुकान में था, वहां एक सज्जन अनेकों पेंटिंग देख रहे थे। चूंकि पेंटिंग के संबंध में मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं उन सज्जन के पास खड़ा हो गया ताकि वो जो पेंटिंग सिलेक्ट कर रहे उसके बारे में मैं जानकारी ले सकूं और मैं भी ये देख सकूं कि मुझे कौन सी पेंटिंग लेना है। मैंने ये भी देख लिया था कि उनके हाथ में शुक्र वलय है और वो बहुत निगेटिव चिन्ह उस पर नहीं है जैसा ये बताया गया है,
विश्वास शुक्र बोले उनके हाथ में है। उन्होंने सारी पेंटिंग्स एक तरफ रख दी और एक पेंटिंग पसंद करी। वो पेंटिंग ये थी श्री कृष्ण जी और राधा जी का चित्र था, बहुत अच्छा चित्र था। उसमें उन्होंने एक बांसुरी दोनों ने अपने हाथ में ले रखी थी और उस बांसुरी पर दोनों ने अपनी उंगलियां रख रखी थी और दोनों ने अपने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तो उन सज्जन ने दुकानदार से कहा कि भाई ये स्पेशल पेंटिंग आप कहां से लाए? तो दुकानदार ने कहा सर ये कोई स्पेशल नहीं है, ये तो रूटीन में जो दूसरी पेंटिंग्स आई है तो ये रूटीन में आई है। तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत स्पेशल है। तो दुकानदार ने कहा बताइए आप इसमें क्या स्पेशल है। उन्होंने कहा देखो ये कृष्ण जी और राधा जी इस बांसुरी को बजा नहीं रहे, इन्होंने सिर्फ उंगलियां इसके ऊपर रख रखी है और उन्होंने ये आंखें बंद कर रखी है, अपन इन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर रखी। तो दुकानदार ने पूछा सर इसका क्या अर्थ हुआ? उन्होंने बताया कि बांसुरी पे उंगलियां रख रखी है और आंखें बंद कर रखी है तो ये अंतर मन से इस बांसुरी की धुन सुन रहे हैं, भले ही मुंह में लेके और बांसुरी श्री कृष्ण नहीं बजा रहे हैं परंतु बांसुरी के ऊपर उंगलियां रख के ये बांसुरी की धुन को अंतर मन से महसूस कर रहे हैं श्री कृष्ण जी और राधा जी। इसके बाद में उन सज्जन ने उसका मूल्य पूछा, दुकानदार ने जो मूल्य बताया था वो उन सज्जन को नहीं जमा और वो सज्जन वहां से चले गए। उस पेंटिंग को मैंने उस दुकानदार से क्रय कर लिया। इसे शुद्ध शुक्र वलय का सौंदर्य बोध कहते हैं। वो पेंटिंग मैंने क्रय कर ली और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। जो स्पेशल टिप्स का क्रम है वो वीडियो के अंत में मैं बताता हूँ। वो ये है, पिछले वीडियो में मैंने घर में झाड़ू निकालते हैं उस झाड़ू को रखने के बारे में कुछ तथ्य बताए थे। क्योंकि मैंने नहीं बताया कि ये जो क्रिया है वो सीधे लक्ष्मी जी से संबंधित है, पर मेरे पास कुछ टेलीफोन आए और उन लोगों ने यह अनुरोध किया कि आप जितने वीडियो में लक्ष्मी जी के बारे में बता सकें बताएं। मैंने उनसे कहा भाई लक्ष्मी जी को इतना महत्व नहीं दो, मैं लक्ष्मी जी के बारे में भी बताऊंगा और अन्य चीजों के बारे में भी बताऊंगा, परंतु उनके बात का सम्मान रखते हुए मैं ये जो अगली टिप दे रहा हूं ये लक्ष्मी जी के बारे में है। कई लोगों का ये सोचना होता है कि भाई हम तो बड़ा विधिवत लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हम पे नहीं है जितनी होना चाहिए। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वो जो दीपावली पे एक सामान्य चित्र आता है श्री गणेश जी और उनके एक और श्री लक्ष्मी जी और एक और श्री सरस्वती जी, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें इसमें ये सुधार करना चाहिए कि लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी का भी एक चित्र वो लाके रखें पूजन में। यदि विष्णु जी लक्ष्मी जी का संयुक्त चित्र मिलता है और वो बैठे हुए स्थिति में हो तो वो भी ला सकते हैं, या विष्णु जी खड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी कमल के फूल पे बैठी हुई है वो भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी जी ने जो चाबियां जिन कुबेर जी को दे रखी हैं उनके लिए उत्तर दिशा में एक दीपक लक्ष्मी पूजन के समय लगाया जाना चाहिए। यदि कुबेर जी का चित्र नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कुबेर जी के चित्र के बारे में कुछ मैं संकेत दे दूं कि उनकी आकृति गणेश जी जैसी होती है और उनके हाथ में उनका वाहन नेवला होता है,
यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।